दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री एक ऐसी अनोखी माया नगरी है जहां अभिनेत्रियों को अपने करियर को सातवें आसमान तक पहुंचाने के लिए कई तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं, चाहे वो एक माँ का किरदार हो या फिर कोई एक अच्छी बहन का ही किरदार क्यों ना हो। वो अपने हर एक किरदार को परफेक्शन के साथ और बखूबी तरीके से पर्दे पर उतारने में सफल रहती है, और उन्हीं में से एक किरदार है एक अच्छी पत्नी का किरदार, जिसे हमारी अभिनेत्रियों ने पल भर में भी नाइंसाफी नहीं की है निभाने पे। शो में अभिनेत्रियां एक पति पत्नी को काफी अच्छे तरीके से पेश करके दिखाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि टीवी पर एक अच्छी पत्नी और सक्सेसफुल गृहिणी के किरदार को परफेक्टली पर्दे पर पेश करने वाली अभिनेत्रियां असल जिंदगी में अपने मैरिड लाइफ में फेल हो चुकी हैं। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री में कई सारी ऐसी अभिनेत्रियां और अदाकाराएं हैं जिनकी मैरिड लाइफ सफल नहीं रही है। इसी के चलते वो असल जिंदगी में तलाक लेकर आज अपने अपने हस्बैंड्स और अपने अपने पतियों से अलग रहती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में ना हम आपको उन्हें अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं। तो फिर चलिए, देर न करते हुए बिना वक्त जाया किए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर एक, दलजीत कौर। डन तुमसे ना हो पाएगा शो में अक्षत की पत्नी के किरदार से फेमस हुई अभिनेत्री दलजीत कौर उन्हीं अभिनेत्रियों की लिस्ट में सबसे पहले शामिल होती हैं जो कि पर्दे पर शादीशुदा और असल जिंदगी में तलाकशुदा हैं। जी हां, बता दें कि इन्होंने साल 2009 में शालीन भनोट के साथ लव मैरिज की थी, जिनसे इन्हें एक बेटे जडन भी हुए हैं। बेटे के जन्म के बाद इन दोनों पति पत्नियों के बीच में काफी ज्यादा आपसी मतभेद होते रहे, जिसके चलते इन्होंने तलाक देकर इस रिश्ते को खत्म करना ही सही समझा। नंबर दो, स्नेहा वाघ। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री स्नेहा वाघ का भी शामिल होता है, जिन्होंने साल 2015 में अनुराग सोलंकी के साथ शादी रचाई थी। लेकिन क्योंकि इन दोनों का रिश्ता कुछ खासा चला नहीं था, जिसके चलते महज 8 महीनों के अंदर ही इन दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। नंबर तीन, सारा खान। टाई सीरियल में साधना के किरदार के लिए फेमस अभिनेत्री सारा खान भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने साल 2010 में अली मर्चेंट के साथ बिग बॉस के घर में ही शादी की थी, लेकिन बिग बॉस के महज 2 महीने बाद ही इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। हालांकि इनकी शादी को लेकर ये कहा जाता है कि इनकी शादी टीआरपी के बढ़ाने के लिए थी, जिसके लिए इन दोनों को काफी अच्छी खासी रकम भी दी गई थी। इसी के चलते शादी के कुछ ही समय बाद दोनों ने एक दूसरे से तलाक लिया और इस रिश्ते को खत्म कर दिया। नंबर चार, जेनिफर विंगेट। इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि जेनिफर विंगेट इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा मल्टी टैलेंटेड और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं। लेकिन आपको बता दें कि जेनिफर विंगेट भी असल जिंदगी में तलाकशुदा हैं। ये अपने तलाक लेकर अपने पति से अलग रहती हैं। दरअसल साल 2012 में इन्होंने करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी रचाई थी, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने बिपाशा बसु के साथ अफेयर चलाया, जिसके आगे चलकर इन दोनों का डिवोर्स हो गया। पांच, रश्मि देसाई। उत्तरण सीरियल में तपस्या के किरदार के लिए मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई ने साल 2012 में नंदिश संधु के साथ शादी कर अपना घर बसाया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये रही कि इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और साल 2016 तक डिवोर्स ले लिया। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नंदिश संधु का अफेयर मॉडल अंकिता सोरी के साथ चल रहा था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर रश्मि देसाई ने इनसे तलाक ले लिया। बच्चे, श्वेता तिवारी। टीवी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है श्वेता तिवारी, जहां कुछ समय पहले ही इन्हें मेरे डैड के दुल्हन शो में गुनीत शर्मा के किरदार को पर्दे पर पेश करते हुए एक पत्नी के रूप में देखा गया था। मैंने आपको बता दी कि असलियत में तो श्वेता तिवारी की शादीशुदा जिंदगी कभी भी सही नहीं चल पाई। साल 1998 में इन्होंने राजा चौधरी के साथ अपना शादी कर घर बसा लिया था, जिनसे इन्हें एक बेटी हुई है पलक। लेकिन राजा चौधरी श्वेता तिवारी के साथ घरेलू हिंसा करते थे, जिसके चलते इनका ये रिश्ता चल न सका और श्वेता तिवारी ने साल 2012 में राजा चौधरी को तलाक दे दिया, जिसके बाद इन्होंने साल 2013 में अभिनव कोहली के साथ अपना घर बसाया था, जिसे आज उनका एक बेटा रियांश कोहली है। लेकिन आपसी मतभेदों के कारण श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली ने भी एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। नंबर सात, दीपिका कक्कर। नाम देखकर तो आप भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होंगे और दंग रह गए होंगे दोस्तों, क्योंकि आपने सीरियल में तो दीपिका कक्कड़ एक आदर्श पत्नी के रूप में किसी का दिल जीतती हुई नजर आई थी। लेकिन अफसोस, ये असल जिंदगी में ये अदाकारा भी तलाक लेकर अपने पति से अलग रह चुकी हैं। बता दें कि दीपिका कक्कड़ ने साल 2013 में रौनक मेहता के साथ शादी रचाई थी, जो कि पेशे से एक पायलट हैं। लेकिन दोनों के बीच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती थी और दोनों के संबंध बिल्कुल खराब ही होते जा रहे थे, कि इसी बीच काफी ज्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हो गए थे, जिसके चलते दीपिका कक्कड़ ने भी अपने इस रिश्ते को तलाक देकर खत्म करना ही सही समझा। नंबर आठ, काम्या पंजाबी।
इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अपना नाम शुमार करने वाली अदाकारा हैं काम्या पंजाबी, जिन्हें वर्तमान में आप सभी शक्ति अस्तित्व के एहसास की शो में प्रीतो की जबरदस्त भूमिका पर्दे पर पेश करते हुए देख ही रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि शो में हड़क सिंह की पत्नी के किरदार में नजर आने वाली अभिनेत्री काम्या पंजाबी असल जिंदगी में भी तलाक शुदा है। आपको बता दें कि इन्होंने साल 2003 में बिजनेसमैन बंटी नेगी के साथ शादी कर अपना घर बसाया था, जिनसे इन्हें एक बेटी भी हुई। लेकिन शादी के 10 सालों बाद भी इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और मतभेद होने लगे, जिसके चलते इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और आज अलग अलग होकर अपनी खुशहाल जिंदगी बता रहे हैं। दोस्तों, इन अभिनेत्रियों में से किसके तलाक के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई है? क्या आपको इनमें से किसी अभिनेत्री के तलाक शुदा होने की खबर पहले से ही थी? आप क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय और ओपिनियन दोनों ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ अपने ओपिनियंस और साथ ही साथ ऐसी दिलचस्प वीडियो से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही मसालेदार खबरों को लगातार जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।